एन ओपन बॉक्स विद स्क्वेयर बेस इज़ टू बी मेड आउट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ओपन बॉक्स है जैसा फिगर में दिखाई दे रहा है, इसका बेस स्क्वेयर है। स्क्वेयर बेस का मतलब है कि इस बॉक्स की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है। तो हमने इस बॉक्स की लेंथ को एक्स माना और ब्रेड्थ को भी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। हाइट इस बॉक्स की हम एच ले लेते हैं, तो इस बॉक्स की हाइट हमने एच ली। कहता है कि इस बॉक्स का जो एरिया है वो सी स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट है। सी स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट इस बॉक्स का एरिया दिया हुआ है। शो करना है कि इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम वॉल्यूम सी क्यूब अपॉन 6√3 क्यूबिक यूनिट होगा। तो देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस बॉक्स की हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक्स मान ली हैं। क्यों दोनों एक्स क्यों मानी, क्योंकि बॉक्स है वो स्क्वेयर बेस है। स्क्वेयर बेस का मतलब है कि बॉक्स की जो डायमेंशन मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो लेट x be the side of square base and h is height. Of open box, of box, simply आप box कह सकते हैं। ठीक है, इस बॉक्स का एरिया सी स्क्वेयर यूनिट है, तो एरिया ऑफ बॉक्स। सी स्क्वेयर स्क्वेयर यूनिट गिवन है, ये हमें गिवन है, दे रखा है। ओके, तो देखो बेस है जिसकी लेंथ एक्स है और ब्रेड्थ एक्स है, तो इस बेस का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स स्क्वेयर होगा। देखो ये वाल है, ये वाल फर्स्ट, ये वाल सेकेंड और ये वाल थर्ड, और ये जो वाल है ये फोर्थ है। तो इस फर्स्ट वाल का एरिया, इसकी लेंथ एक्स है और हाइट इसकी एच है, तो इस वॉल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एक्स इंटू एच हो जाएगा। ओके, अब सेकेंड वॉल देखो, इसकी लेंथ एक्स है, हाइट एच है, तो इस वॉल का एरिया भी एक्स एच होगा। थर्ड वॉल की बात करें, भाई इसकी लेंथ एक्स है और हाइट एच है, तो इसका एरिया भी एक्स एच बनेगा। और फोर्थ वॉल की बात करें तो इसका एरिया भी एक्स एच बनेगा। सो टोटल एरिया क्या हुआ, भाई बेस एरिया एक्स स्क्वेयर प्लस एरिया फोर वॉल, इन चारों वाल का एरिया एक्स एच प्लस एक्स एच प्लस एक्स एच प्लस एक्स एच कितना हो जाएगा, 4xh, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। हमें इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, तो मैं आता हूँ वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्योंकि ये बॉक्स क्यूबाइड शेप का है, इसलिए क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इज एक्स, ब्रेड्थ इज एक्स और हाइट हमारे पास एच है। वॉल्यूम को वी से लिखते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर एच। देखो हमारा जो वॉल्यूम है, बॉक्स का जो वॉल्यूम है, ये दो वेरिएबल में चल रहा है, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल एच है। तो जो गिवन कंडीशन है, एरिया जो हमें दे रखा है, इस गिवन कंडीशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैं h की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। देखो 4xh क्या होगा, सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो दिस इम्प्लाइज दैट h h इज इक्वल टू होगा सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4x। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो वॉल्यूम में h की वैल्यू रखो, एक्स स्क्वेयर इंटू h, h है सी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4x। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया वी इज इक्वल टू, देखो एक्स को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो सी स्क्वेयर एक्स, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, एक्स क्यूब
upon 4. Now differentiate with respect to x. V का डेरिवेटिव होगा dv upon dx is equal to c square as it is रहेगा constant है मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x इज 1 माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव 3x square डिवाइड बाय 4. ओके, क्योंकि 4 डिवाइड में था तो डिवाइड में ही रहेगा. नाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा मिनिमा वी पुट dv अपॉन dx 0, तो c स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट 4 राइट साइड से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 में कंज्यूम हो जाएगा, तो c स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट c स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस 3x स्क्वेयर को राइट में ले आए तो 3x स्क्वेयर हो गया, तो यहाँ से x स्क्वेयर निकाले हम, x स्क्वेयर इज इक्वल टू c स्क्वेयर अपॉन 3. देखो x स्क्वेयर, स्क्वेयर हटाएंगे तो स्क्वेयर रूट लेना होगा, x इज इक्वल टू, तो हम स्क्वेयर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वेयर रूट आएगा और साइन प्लस माइनस भी आएगा. सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन रूट 3. बट देखो कि x का जो मान है माइनस c अपॉन रूट 3 ये नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर x की वैल्यू आएगी c अपॉन रूट 3. ओके, तो ये x की वैल्यू आ गई. अब हम यहां से सेकंड डेरिवेटिव निकालें, मैक्सिमा मिनिमा दिखाना है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम इसमें यूज करेंगे. तो देखो सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ से दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको. तो देखो डिवाइड अपॉन तो 4 है, इसमें 4 ही रहेगा. ये जो सी स्क्वेयर है नोमरेटर में कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरीवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वेयर, तो इसका डेरीवेटिव बनेगा 6x, तो ये आ गया माइनस 6x अपॉन 4, कैंसिल होता है. ओके, एट x इज इक्वल टू c अपॉन रूट 3 डी स्क्वेयर वी अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, x की वैल्यू है c अपॉन रूट 3. तो हम देख रहे हैं कि ये रिजल्ट है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है. दिस रिजल्ट इज लेस देन 0, नेगेटिव है. सो दिस इंप्लाइज दैट v इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू c अपॉन रूट 3. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम जाएं, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी देखो. नाउ फर्स्ट इक्वेशन थी h इज इक्वल टू c स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर अपॉन 4x. h इज इक्वल टू c स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर अपॉन 4x, तो इसमें हम x की वैल्यू रखें, तो यहाँ हम इसमें x की वैल्यू रखेंगे. देखो c स्क्वेयर x है c अपॉन रूट 3, x हमारा c अपॉन रूट 3 है, तो x का स्क्वेयर करेंगे x स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा c स्क्वेयर अपॉन 3 अपॉन 4x, x है c अपॉन रूट 3. ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई हमारे पास, एलसीएम आएगा 3 नोमरेटर में, 3 c स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर, ये 4c अपॉन रूट 3, तो h इज इक्वल टू ये 2c स्क्वेयर अपॉन 3, ये रूट 3 अपॉन 4c. तो h इज इक्वल टू देखो 2 टू जा 4, एक c कैंसिल हो जाएगा, ये c कैंसिल हो जाएगा. ओके, अब देखो ये बच के हमारे पास c रूट 3 अपॉन 3 इंटू 2. ये आप रूट 3 को, 3 रूट 3 अपॉन जो 3 है
ये किसके इक्वल होगा? ये देखें हम रूट थ्री अपॉन थ्री, ये रूट थ्री अपॉन थ्री ये होता है वन बाई रूट थ्री। ओके, तो इसकी जगह हम रख देंगे वन बाई रूट थ्री, तो ये आ जाएगा टू रूट थ्री, तो एच आ गया टू रूट थ्री यूनिट। ओके, हाइट आ गई, हाइट ऑफ दिस बॉक्स, सो मैक्सिमम, तो देयर फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये है एक्स स्क्वेयर एच। एक्स का मान आया था सी अपॉन रूट थ्री और हाइट एच है सी अपॉन टू रूट थ्री। नाउ दिस इज इक्वल टू ये सी स्क्वेयर अपॉन थ्री इंटू सी अपॉन टू रूट थ्री, तो ये आ गया सी स्क्वेयर इंटू सी, सी क्यूब अपॉन थ्री इंटू टू रूट थ्री, सिक्स रूट थ्री क्यूबिक यूनिट। ये हमें इस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम दिखाना था। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज सी क्यूब अपॉन सिक्स रूट थ्री। देखो ये हमें प्रूव करना था, सो हमने दिखाया, तो ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स आ गया। ओके, तो प्रूफ।